सिम भी 99% फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस पर होगा। सर जब दोनों कॉल सेम इंस्ट्रूमेंट से किए गए हैं तो शायद उसी से कुछ पता चले। इस कुणाल धवन का फोन अभी भी ट्रैकिंग पर है सर, और इसके फोन रिकॉर्ड से भी एक अजीब सी बात सामने आई है। क्या? अपनी फोर्स का एक एक्स कांस्टेबल है निरंजन रस्तोगी, इसका कुणाल के साथ कोई कनेक्शन है सर। पता लगाओ जरा इस कनेक्शन का सॉकेट कहाँ है और इसका प्लग पॉइंट कहाँ है। निशा तुम इस फोन इंस्ट्रूमेंट का पूरा बायोडाटा निकालो, इसकी पैदाइश से लेके अब तक, ये कौन सी कंपनी का है, कौन से बैच का, इसका सीरियल नंबर क्या है, किसने खरीदा किसने बेचा, सब कुछ। ये फोन इंस्ट्रूमेंट हमारी पहली लीड होगी जिससे कोई ना कोई सही कॉल जरूर लगेगी। मैडम जो IMEI नंबर आपने मुझे बताया, उस फोन के मॉडल का डिस्पैच कौन से डीलर के पास हुआ, फिर वहां से कौन से रिटेलर ने लिया, उस रिटेलर का इनवॉइस स्लिप, बिल्स, और फिर आखिर में एंड यूजर का नाम और पता, ये सब पता करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मैडम। संदीप जी ये डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आज रात तक का टाइम दे सकती हूँ या लेटेस्ट सुबह होने से पहले। लेकिन मैडम मेरे सारे स्टाफ भी जा चुके हैं, यहाँ किसी की जान जा सकती है। ठीक है मैडम मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा वाला ट्राई कीजिएगा जो कामयाब हो। मैं आपको कल सुबह 6 बजे फोन करती हूँ। जी वाराणसी। नहीं वाराणसी में हम किसी को नहीं जानते। उसके आसपास इलाहाबाद सारनाथ। नहीं कहीं भी नहीं, हमारा विवेक वाराणसी में है क्या? फिरौती का कॉल वहीं से आया। और देवेंद्र जी किडनैपर्स ये जानते हैं कि आप 3 करोड़ रुपए देने की पोजीशन में हैं। लेकिन सर वो कौन सकते हैं ये लोग? क्या विवेक के बारे में कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? जी नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम? ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर, और अगर होगा भी तो शायद सुनीता को पता हो। सुनीता भरोसेमंद है? सर यही है मोहित। क्या बात है महेश? हाँ सर ये मेरा ही मोबाइल था, इसको मैंने मई में खरीदा और जुलाई में बेच दिया था। क्यों रे महेश, मैंने तुझे बोला था ना कि कोई कस्टमर है तो याद दिलाना। अरे हाँ सर वो सॉरी सर बोला तो था इसने, लेकिन सर इसने फोन बेच दिया है ये मुझे मालूम है। मई में खरीदा जुलाई में बेच दिया, 2 महीने में दिल भर के। सर हर हफ्ते कोई ना कोई नया मॉडल आता ही रहता है, मुझे एक नया पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। 2 महीने पुराने वाला फोन ये किसको बेचा? सर मेरा मोबाइल था, मैंने खरीदा मैंने बेचा, ये सब आप पूरी राम कथा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से किडनैपिंग हुई, फिरौती का कॉल आया। 14 सितंबर को इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड डालकर विवेक अरोड़ा नाम के आदमी को फोन किया गया, उसे सुनसान जगह पे बुलाया गया, उसके बाद उसकी किडनैपिंग हुई। और फिर 15 सितंबर को इसी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में फर्जी सिम कार्ड से फिरौती का कॉल आया वाराणसी से। ओह अब तू हमें ये बता विवेक अरोड़ा को तूने कहाँ छिपाया, और दो लोग कौन थे तेरे साथ, वो इस वक्त कहाँ? देखिए सर मैं किसी विवेक अरोड़ा को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी की किडनैपिंग की है। काम क्या करता तू? सर ये भोजपुर रोड पे RS बॉल बेयरिंग्स की फैक्ट्री है, वहाँ काम करता हूँ। तुमने जैसे ये फोन बेचा उसका नाम क्या है, रसीद कहाँ? सर रसीद तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे उसका नाम याद है, पवन गोयल। मोहित जी नमस्ते, मोबाइल की दुकान वाले ने बताया आपको कोई मोबाइल बेचना है। जी सही बताया। मुझे खरीदना है ये रहा। कितने बेचोगे? 2 महीने पुराना है, 14 में खरीदा था, अब 10 के नीचे नहीं बेचूंगा। कौन सा कमरा तुम्हारा यहाँ पे? या ऊपर 204 राइट पे। 10,000 कैश लेकर के आऊँगा शाम को, फोन मेरा डील। वो शाम को पैसे लेकर आया और मैंने अपना फोन बेच दिया। ऐसे ही आया तुझे ऑफर दिया, शाम को तुझे कैश भी दिया और फोन ले गया, मतलब हवा में सामने से आया और फोन लेकर हवा हो गया। नहीं सर मैंने महेश के अलावा और 3-4 मोबाइल वाले दुकानदारों को बोल के रखा था कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने वाला हो तो मेरी तरफ भेज देना, और जब पवन गोयल मुझे रास्ते में मिला और उसने पूछा मोबाइल के बारे में तो मुझे लगा कि किसी दुकानदार ने उसे भेजा होगा। मैंने नहीं भेजा किसी पवन गोयल को। कहाँ रहता है पवन गोयल? सर यही पास के इलाके में रहता होगा, एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं पता। सर ये पक्का स्टोरी फेंक रहा है, इसको आटे में लेते। सर देखिए सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वाकई कोई पवन गोयल है जिसे तुमने अपना ये फोन बेचा है तो मुझे वो पवन गोयल
अपनी आंखों के सामने चाहिए अभी के अभी। ये घर राकेश पांडे का है क्या? हाँ जी। तुम कौन लगते हो राकेश के? हम उसके बड़े भाई हैं, ब्रिजपाल पांडे नाम है हमारा। आप लोग कौन है? हम पुलिस वाले हैं, राकेश को ढूंढ रहे। पुलिस? क्या हुआ साहब? कहाँ गया राकेश? साहब दो दिन से वो घर नहीं आया, हम भी बहुत परेशान हैं। दो दिन से उसकी चाय की दुकान भी बंद है, गया कहाँ वो? हम भी यही सोचकर परेशान हैं साहब, हमको भी कुछ बोलकर नहीं गया। उसने अपना फोन भी बंद रखा हुआ है। वही तो साहब, कुछ भी नहीं बोला, बस निकल गया। अभी 10 दिन पहले दादी जी को इलाज के लिए हम गांव से यहाँ लेके आए। राकेश को ही लेके जाना तो उन्हें अस्पताल रोज के रोज, हम तो जा नहीं सकते हैं ना, कि हमारा दिहाड़ी मजदूरी का काम है। अब राकेश नहीं है तो हम ही लेके जा रहे हैं उन्हें रोज के रोज। हमारी दिहाड़ी भी गई और उसने भी अपनी चाय की दुकान बंद रखी है, तो उसकी कमाई भी गई। जब गाँव में था राकेश तब भी इसी तरह का गैर जिम्मेदार था वो। लेकिन साहब आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? गाँव किधर है तुम्हारा? यहाँ से काफ़ी दूर है साहब, तभी दादी को यहाँ इलाज के लिए लेके आए। दादी को गांव से 10 दिन पहले यहाँ लेके आए? जी साहब। ये गांव में अकेली रहती है? हाँ साहब। जिस घर में ये रहती हैं इस वक्त वो घर खाली है? जी साहब। लेकिन आप ये तो बताइए कि मेरे भाई राकेश ने क्या किया? गांव का नाम क्या? नारसी खेड़ा साहब। नारसी खेड़ा वाराणसी के पास है या इलाहाबाद के पास? जी वाराणसी के पास। पहुँचते पहुँचते पूरा दिन निकल जाता है साहब, सारनाथ से 40 किलोमीटर दूर है। सर मोहित गुप्ता, राकेश पांडे और पवन गोयल, इन तीनों के बारे में मिस्टर मिसेस अरोरा कुछ नहीं जानते और सर सुनीता भी नहीं। और ये तस्नीम और कुणाल का क्या कनेक्शन है? मैंने इन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन किए लेकिन इन तीनों का नंबर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। सर यदि नारसी खेड़ा जाने का रोड रूट तकरीबन 14 घंटे की स्ट्रेट है और अगर हम फ्लाइट लेते हैं तो वाराणसी पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है। दादी यहाँ है तो नारसी खेड़ा वाला घर खाली होगा। सारनाथ पुलिस को ये एड्रेस भेजो और उन्हें कहो कि एक बार चेक कर ले, हो सकता है उन्होंने विवेक अरोड़ा को इस घर में बंदी बना के रखा। ये जो आदमी बताया तुम विवेक अरोड़ा, इसको उठाना आसान होगा? देखो अगर प्लानिंग ठीक से करेंगे ना तो बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा फिर जो ये बताओ कि रोकड़ा कितना मिलेगा? देख ये तो हमको नहीं मालूम लेकिन हम इतना जानते हैं कि मुंह फाड़ के करोड़ों मांग सकते हैं। हाँ ये अरोड़ा मैडम के लड़का को ना हम पोस्टर में देखे हैं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा मुर्गा है, सोने का अंडा भी देगा। तो मकसद सिर्फ फिरौती था पैसा? हम लोगों ने सोचा कि उठाने के बाद पार्टी को 2-4 दिन दे देते हैं कैश इकट्ठा करने के लिए, वो 3 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होती है ना। विवेक को जो इंजेक्शन लगाए वो तुम चारों में से किसके दिमाग के पास थे? सर ये डॉक्टर साहब की, मतलब हैं तो कंपाउंडर ही लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है साहब, हम लोग तो इनको डॉक्टर ही कहते हैं, ये सरकारी अस्पताल में वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। यहाँ से नींद के इंजेक्शन चुराए? हाँ सर। राकेश तुम चाय की दुकान चलाते हो और फिरोज तुम आप ड्राइवरी करते हो, डॉक्टर साहब तो खैर डॉक्टर साहब हैं। तो पवन गोयल जी आप भी बता दीजिए आप क्या करते हैं? सर हम मैकेनिक हैं, कोई भी मतलब गाड़ी खोल के जोड़ सकते हैं। तो वो जो फ़ोन तुमने मोहित गुप्ता से ख़रीदा था सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए ख़रीदा था? सर ख़रीदा तो उठाने के लिए था लेकिन किसको कहाँ ये सब तय नहीं किया था। तो तुम चारों पुराने दोस्त हो? जी साहब जिगरी। तुम चारों ने क्या सोचा था कि किसी को उठाते हैं मोटी रकम मांगते हैं फिर आपस में बांट कर जिंदगी भर ऐश करेंगे? कैसे सोच लिया कि किडनैपिंग इतनी आसान होगी? बस ऐसे ही सोच लिया था साहब, और सोचते समय सब बहुत आसान लग रहा था। और अगर पैसे नहीं मिलते तो क्या करते? विवेक को मार देते? फोन पे धमकी यही दी थी तुम लोगों ने? नहीं नहीं साहब, वो धमकी तो हम लोगों ने ऐसे ही दे दी थी, हम लोग साहब इतने बुरे लोग नहीं हैं। हाँ साहब मर्डर वर्डर का तो कोई चांस ही नहीं था साहब। और फिर सर विवेक तो इन तीनों को जानता तक नहीं था, इसलिए हमने सोचा था कि पैसा मिलते ही हम उसे छोड़ देंगे और फिर वो इन तीनों को पहचान भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो वो हमें जानता जरूर था लेकिन जब जब वो होश में था हम उसके सामने गए ही नहीं, उसने हमें देखा ही नहीं। साहब हम लोगों का पूरा प्लानिंग था कि अगर जरा भी ऊंच नीच होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, ना उसकी जिंदगी खतरे में ना हमारी जान खतरे में, तो मर्डर वर्डर का तो कोई बात ही नहीं था साहब। इम्प्रेस हो गए मैं, कितने रहम दिल नेक दिल इंसानियत से लबलबाते किडनैपर हैं हमारे सामने। काश दुनिया का हर किडनैपर तुम्हारी तरह सोचता, सिर्फ पैसे के लिए किडनैपिंग करो, पैसा नहीं मिले तो भी छोड़ दो। सर आप लोग चाहे मानो या ना मानो लेकिन सच बात यह है कि हम लोग तय करके बैठे थे कि अगर मुर्गी सोने का अंडा देती है तो ठीक वरना हम लोग राम राम करके चले जाएंगे। साहब हम लोग को मालूम है कि एक बार मर्डर वर्डर के चक्कर में नाम आ गया तो या तो उम्र कैद या फांसी। किडनैपिंग के बाद क्या होगा ये नहीं सोचा? क्या सोचा था? भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित करेगी, एक बार अगर किसी से पूछ लेते ना कि किडनैपिंग की सज़ा क्या होती है
तो फट के हाथ में आ जाते, किडनैपिंग का आइडिया ड्रॉप कर देते और ईमानदारी की रोटी कमाते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।